Hey everyone, welcome back to the channel and I hope you guys had a wonderful Christmas. And now New Year is just around the corner. So today we will be making a very simple vanilla cake with homemade whipped cream for the occasion. So let's get started. वी हैव टू एड वन एग एट अ टाइम. तो जब एग पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद ही दूसरा एग डालना है. टाइम टू एड द ड्राई इंग्रेडिएंट्स. तो यहाँ पर मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स बैचेस में डालने हैं. 2 से 3 चम्मच दूध के डालने हैं अभी ताकि अच्छे से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर सकें. ओवरऑल आई हैव एडेड 5 टेबलस्पून्स ऑफ मिल्क इन द केक बैटर. सो द केक इज़ रेडी नाउ. पर अभी ये थोड़ा सा वार्म है तो मैं इसे 2-3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूंगी ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए और उसी के बाद हम आइसिंग करेंगे, नहीं तो आइसिंग पिघल जाएगी. केक अभी बिल्कुल ठंडा हो चुका है. सो आई एम स्टार्टिंग टू मेक द व्हिप्ड क्रीम फॉर द आइसिंग. Time to whisk now. Do not stop whisking until it holds its shape. मुझे डर था कि ये जो वेसल है ये रूम टेम्परेचर पे ना आए, तो इसके लिए मैं ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स का बैग यूज़ कर रही हूँ ताकि जो वेसल है वो ठंडा ही रहे. द व्हिप्ड क्रीम इज़ होल्डिंग इट्स शेप नाउ, दैट मीन्स इट्स रेडी. सो वी विल जस्ट स्टार्ट पुटिंग इट ऑन द केक नाउ. So the cake is ready now and today I'm using M&M's for the decoration. You can use either chocolate chips or Oreos or any topping of your choice.